एवरीवन, आज हम बात करते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से क्यों नहीं सो रहा, स्लीप डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। सबसे पहले तो नवजात शिशु जो होता है वो दिन में 24 में से 20 घंटा सोता है, और नन्हे बच्चे रात में जागते दिन में सोते हैं, ये उनके लिए कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है और सोते समय थोड़ी उसको तकलीफ आ रही है, तो देखिए कहीं उसने डायपर में सूसू या पॉटी तो नहीं कर रखी, कहीं वो भूखा तो नहीं है, कहीं उसकी नाक तो नहीं बंद, कहीं उसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। उसकी सारी तकलीफें एक एक करके चेक करके दूर कीजिए, उसे अच्छे से फीड कीजिए, जरूर आपका नन्हा बच्चा आराम से सो जाएगा। थोड़े बड़े बच्चे 4-5 साल की उम्र के, जिन्हें बार बार सर्दी और खांसी की तकलीफ रहने लगती है, उनके कई बार टॉन्सिल्स और एडेनोइड्स बड़े हो जाते हैं, और ऐसे में जब ये बच्चे सोते हैं तो ये खर्राटे भरने लगते हैं। ये पर एक गंभीर समस्या है। इसके लिए आप बच्चे को पीडियाट्रिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाइए, क्योंकि इसके लिए उनको इलाज की जरूरत है। फिर हम आते हैं और बड़े बच्चों पे, एडोलेसेंट्स पे। वो कई बार रात में अच्छे से नहीं सो रहे, अगर आपका एडोलेसेंट बच्चा, तो जरूर देखिए कि वो सारे दिन मल्टीमीडिया का हाई एक्सपोजर में तो नहीं है, बहुत वायलेंट और एग्रेसिव टीवी प्रोग्राम्स तो नहीं देख रहा, बहुत वायलेंट और एग्रेसिव गेम्स तो नहीं खेल रहा जिनके चलते उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस हुई पड़ी है। इन बातों का ख्याल रखने से जरूर हमारे बच्चे अच्छी मीठी नींद रात में जरूर लेंगे। ये नींद उनको आराम देगी, उनके ग्रोथ में मदद करेगी और उनके ब्रेन्स के विकास में भी मदद करेगी। थैंक यू।